सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ गाजियाबाद दौरा, कई संगठनात्मक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे मेरठ के सिवाल खास में करेंगे संवाद, प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे सीएम। दोपहर 1:30 बजे किठौर विधानसभा करेंगे संवाद। दोपहर 3 बजे गाजियाबाद के मोदी नगर में करेंगे संवाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम तय किए गए हैं और एक बार फिर से गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बताते चले कि सीएम योगी का आज मेरठ गाजियाबाद दौरा तय किया गया है, कई संगठनात्मक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे मेरठ के सिवाल खास में करेंगे संवाद, वहीं प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:30 बजे किठौर विधानसभा में करेंगे संवाद। दोपहर 3 बजे गाजियाबाद के मोदी नगर में संवाद करने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रभावी मतदाता संवाद, ये कार्यक्रम हर जिले में चलाया जा रहा है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जिलों का दौरा भी लगातार किया जा रहा है। आज मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। कहीं ना कहीं इस बार पश्चिमांचल जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि विकास कार्यों के आधार पर पश्चिमांचल में जिस तरह वोट दिया जा रहा है, उसके लिए इस बार बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि कृषि कानून को लेकर जो नाराजगी है लोगों के बीच, उसे एक साइड में रखकर दरकिनार करते हुए लोगों के बीच एक बार फिर से वो अपनी सत्ता को कायम करने के लिए वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके संदर्भ में आज गाजियाबाद और मेरठ के दौरे पर वो रहेंगे। हालांकि उनके कार्यक्रम कई तय किए गए हैं, आज संगठनात्मक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहीं प्रभावी मतदाता संवाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बताते चलें कि जो प्रभावी मतदाता संवाद है, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं, और साथ ही जो डबल इंजन की सरकार की ओर से कई परियोजनाएं लाई गई जिसका फायदा लोगों को मिला है, जो लाभुक है जिन्होंने इसका लाभ उठाया है, उससे भी संवाद करते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ कहा गया है कि एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में लाए ताकि विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके, विकास कार्यों को गति दी जा सके। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर बार ये कहते रहते हैं कि इस बार माफियाओं को माफ नहीं किया जाएगा, जो अपराधी है, जो दंगाई है, उनको माफ नहीं किया जाएगा। आप लोगों से अपील है कि विकास कार्य को देखते हुए एक बार फिर से हमें वोट करें, यह अपील करते हुए अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए उनके पक्ष में वोट मांगते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तमाम जिलों का दौरा वो कर रहे हैं और ऐसे में गाजियाबाद और मेरठ का दौरा भी आज वो करेंगे, संगठनात्मक कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, प्रभावी मतदाता संवाद भी करेंगे, और साथ ही मतदाताओं से संवाद करने के दौरान विकास कार्यों को भी उनके सामने रखा जाएगा। आपको बताते चलें कि दोपहर 12 बजे मेरठ के सिवाल खास में संवाद करेंगे सीएम योगी, प्रभावी मतदाताओं के साथ वहां पर संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:30 बजे किठौर विधानसभा में संवाद करने के लिए मतदाताओं से वो पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे गाजियाबाद के मोदी नगर में करेंगे संवाद। दोपहर 3 बजे गाजियाबाद के मोदी नगर पहुंचेंगे, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है उनके आगमन को लेकर, वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रभावी मतदाता संवाद करते नजर आएंगे। और दोपहर 1:30 बजे किठौर विधानसभा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद दोपहर 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के मोदी नगर में पहुंचेंगे, यहां पर भी मतदाता संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बताते चलिए कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, चुनाव होने हैं, और ऐसे में 403 विधानसभा सीटें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बीजेपी की। ये बीजेपी हर जगह दावे और वादे कर रही है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में वापस आती है तो विकास कार्य किए जाएंगे और भी कई अच्छे और लाभकारी परियोजनाएं जनता के लिए लाई जाएंगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सागर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रभावी मतदाता संवाद करने के लिए आज मेरठ और गाजियाबाद पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं दिन भर के?
पूजा मैं आपको बता दूं कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो इस समय स्टार फेस हैं, वो एक इतना बड़ा चेहरा है कि लोग उनसे प्रभावित हैं, लोगों के मन पर उनकी जो छाप है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक है। यही वजह है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जो दौरे किए हैं, मतदाताओं से बात करने के लिए संवाद कार्यक्रम किए हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं। तो आज इसी प्रकार का ये दौरा है, ये संयुक्त दौरा होगा, ये गाजियाबाद में और मेरठ में ये दौरा रहेगा। प्रशासन बिल्कुल तैयार है, सारी तैयारियां जहां जहां भी कार्यक्रम सेट किए गए हैं सारी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और जी पूजा बिल्कुल। अरुण देखिए, अगर हम बात करें मेरठ की, चाहे हम बात कर ले गाजियाबाद की या फिर मुजफ्फरनगर की, यहाँ पर लगातार जो मंत्रियों का आगमन है या फिर आला कमान का भी आगमन लगातार जारी है। ऐसे में मेरठ में भी कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी पहुंची थी और आज सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन है, इसको लेकर मतदाताओं के बीच कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो भीड़ इकट्ठा होती है उसको लेकर भी तस्वीरें जो है वो साफ हो जाती है कि आखिर जनता का रुख इस बार क्या है। और मैं सबसे पहले आपका जो रुख है वो मोदनगर की तरफ ले जाना चाहूंगा। वहां पर जो मोदनगर की विधानसभा सीट है उससे विधायक जो है वो रही हैं मंजू सिवाच, डॉक्टर मंजू सिवाच, उनके समर्थन में वो रहेंगे। और वहां पर जो उनके एंटी हैं, जो उनके बिल्कुल फाइट में रहेंगे, वो पंडित सुदेश शर्मा जी हैं। दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट है। और अगर अब मैं मेरठ की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा तो यहाँ पर मनिंदर पाल हैं, जिनके जो एंटी हैं और जो बिल्कुल उन्हें एक तकड़ी टक्कर देंगे, उनके साथ में गुलाम मोहम्मद हैं। और शहर मेरठ शहर की सीट की बात करूं तो उसमें कमलदत्त शर्मा हैं, जिनके एंटी में जो खड़े हुए हैं वो खड़े हुए गुलाम मोहम्मद खड़े हुए हैं। तो ये 3-4-5 सीटें जो हैं इन पर बिल्कुल विशेष फोकस किया गया है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ये जो सीटें हैं ये किसी भी स्थिति में उसके हाथ से ना निकले। जी पूजा, चलिए ठीक है अरुण, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।